दोस्तों सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल जानकारी के साथ रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जामुन प्रतिबंधित जामुन पेड़ और साथ में तीन आम पेड़ों की हैं, जहां पर थाना रेवसा क्षेत्र में इन पेड़ों पर प्रतिबंधित 8 पेड़ जामुन के और साथ में 3 पेड़ आम के प्रतिबंधित पेड़ों पर लकड़कट्टों का रातों रात तारा चला करके उनको लकड़ी को मौके से उठा ले गए। मामला थाना थान गांव क्षेत्र के ग्राम रामीपुर गुड़वा का है, जो रामीपुर गुड़वा के पूर्व साइड में बाग पड़ती है और ये शिवकुमार तिवारी रामीपुर गुड़वा के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बाग लकड़कट्टों के हाथ बेची थी। और आपको बता दें कि वो ठेकेदार तंबौर के अनीश उर्फ मनीष के हाथों बेची थी। रातों रात आरा चला करके उसको धराशायी कर दिया गया और रातों रात लकड़ी को उठा ले गए। मामला यूं ही ख़त्म नहीं होता। जहां पर एक तरफ सरकार पर्यावरण की सुरक्षा की बात करती है, हजारों रुपए खर्च करने के बाद पेड़ जगह जगह लगवाती है और उनको तैयार करती है, और वहीं पर वन विभाग की मिली भगत से बिना परमिट के लकड़कट्टों का आरा चलाकर धराशायी कर दिया जाता है। वहीं पर जब बात वन विभागीय आला अधिकारियों से की जाती है तो वो सिर्फ कार्रवाई करने के बाद कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। हम बता दें वहीं पर जब इस बाबत में जामुन पेड़ के बाबत में और आम के पेड़ों के बाबत बात की गई वन रेंजर बिस्वा अभय मल्ल से, तो उन्होंने बताया जानकारी नहीं है और जामुन प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई पेड़ों के नाम बताए जो प्रतिबंधित हैं और आम तो प्रतिबंधित है ही है, लेकिन जांच करवा कर कहने की बात कहते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। ये मामला थाना थान गांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामीपुर गड़वा का है, जहां पर शुकमार के 8 पेड़ जामुन के और 3 आम के काट कर धराशायी कर दिए गए। आप पूरा वीडियो देखें, उनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं पर पेड़ मालिक ने बताया कि आम के पेड़ हमने बेचे भी नहीं थे, उसके बाद भी वो काट लिए, लेकिन काफ़ी हुल्ला और झगड़ा होने पर उनकी कीमत चुकाने की बात कही ठेकेदारों ने, तब मामला शांत हुआ। आप देखें इन तस्वीरों को, नकारा नहीं जा सकता। ये 3 पेड़ आम के हैं और पूरी बाग में जामुन के पेड़ हैं। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें और आरा चलाते हुए भी तस्वीरें कैद की गई। बहुत भल्ती फोटो ले लो।